प्रभाग समाचार प्रीति शुक्ला के साथ। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की ग्राउंड जीरो से ये खास। सांसद ने किया दो दिवसीय स्वास्थ्य मेला समारोह का समापन। दो दिवसीय स्वास्थ्य मेले समारोह का शुक्रवार को समापन हो गया। नगर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में मैदान में लगे स्वास्थ्य मेला समारोह में दूसरे दिन 255 से ज्यादा मरीजों ने अपनी जांच करवाई। इसके अलावा मरीजों पर परीक्षण कर उन्हें दवाएं दी गयी। स्वास्थ्य मेले के दूसरे दिन समापन समारोह में भाजपा सांसद रमेश बिंद ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार गरीब ही नहीं मध्यम वर्ग के लोगों की सेहत का भी ख्याल रखती है। अस्पतालों में निशुल्क जांच हो रही है। आयुष्मान योजना में अब गरीब बीमार का उपचार निजी अस्पतालों में हो रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि घर के आसपास बीमार को तुरंत उपचार मिल जाए। इस मौके पर सांसद के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मी सिंह भी मौजूद रहकर स्वास्थ्य मेले का निरीक्षण करते नजर आए। स्वास्थ्य मेले का निरीक्षण करने के उपरांत सीएमओ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि मेले में मौसमी बुखार की जांच के अलावा प्रजनन स्वास्थ्य, फेफड़ा स्वास्थ्य, कैंसर, गांठ, आठ, मधुमेह रोग, गुर्जर, लकवा, धूम्रपान से होने वाली बीमारियों के अलावा ब्लड शुगर, वजन आदि ही संबंधित जिस गांव को पूरा किया गया। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मी सिंह के अलावा सीनियर असिस्टेंट रोहिताश दुबे, जेपी सिंह, डॉक्टर प्रभात विजय, फार्मासिस्ट अमित, ज्योति पांडे, आरती प्रतिभा, जिला चिकित्सा चेत सिंह के दंत स्पेशलिस्ट चिकित्सा अरविंद प्रताप, HIV एड्स डॉक्टर फुजैल अशरफ सहित अन्य तमाम स्टाफ के लोग मौजूद रहे। क्या पूछेंगे मेले के बारे में बताइए आप। किस तरह की बात कर रहे थे कि क्या लोग करना चाहिए कोरोना काल में, स्वास्थ्य का लाभ कैसे लेना? देखिए, आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी के तत्वाधान में जो ये पूरे देश में के साथ साथ सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश में पूरे जिले में स्वास्थ्य मेला का जो दो दिवसीय कार्यक्रम ये रखा गया है, इसमें काफ़ी मात्रा में हमारे स्वास्थ्य परीक्षण कराने वालों की संख्या बढ़ी हुई है। आप संख्या को तो देख ही रहे हैं। आज इसी मेले के लेकर के हम तमाम बीमारी के बारे में उनको जागरूकता कर रहे हैं और उनको उस जागरूकता के साथ साथ जो मुख्य उनके बीमारी है वो बीमारी का हर एक चीज़ का तो OPD वो करा ही रहे हैं, लेकिन जो इस समय अफवाहें हैं तमाम चीज़ की, जैसे थोड़ा सा कोविड का ये जैसे कि जो बढ़ा हुआ है संख्या, उसमें भी हम उनको जागरूक करके उनको उनका इलाज के लिए, उनको वैक्सीन के लिए जिसकी जहां ज़रूरत है उसको उसकी ज़रूरत करा रहे हैं। विपक्ष के लोग धारणा की स्थितियाँ पैदा कर रहे हैं वैक्सीन को लेकर, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। आज स्वास्थ्य के प्रति पूरे विश्व में हमारे भारत देश को नंबर एक पे माना गया है और इसके देश के पार्लियामेंट में भी इसको हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, स्वास्थ्य मंत्री ने, इसके बारे में अच्छे ढंग से उन्होंने जवाब देने का काम किए हैं। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में हमारे वैज्ञानिकों ने नंबर वन पे वैक्सीन ले आ करके आज पूरे भारत देश में लगवाने का काम किए हैं। कई महीनों से लग रहा है और पूरे विश्व में हर जगह सप्लाई भी की जा रही है और विपक्ष भी तारीफ कर रहा है और जहां छोट भैया हैं उनको तो काम है केवल विरोध करने का और कोई नहीं। लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्वतंत्र प्रभाग समाचार को सब्सक्राइब करें।